हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री में विलयन चैप्टर से राउल्ट का नियम पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में, जिसमें कि राउल्ट का नियम पढ़े हैं हम लोग, पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो बराबर डब्लू अपॉन यम स्मॉल डब्लू अपॉन यम इंटू कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्लू, या इसके बराबर एन बटे एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। तो इस सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे कि पदार्थ का भार, पदार्थ का अर्धभार अगर दिया रहेगा, और विलायक का भार और विलायक का अर्धभार दिया रहेगा, तो यहाँ पे आप ऐच्छिक अनुमान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब पढ़ेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं, यानी कि किस अगर कौन सा कंडीशन दिया रहेगा जिस पर कि राउल्ट का नियम लगेगा और बाकी सभी पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पहला कंडीशन है कि यह नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होता है, यानी कि यह जो नियम होगा केवल तनु विलयनों पर लागू होगा, और प्रबल यानी कि सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता, क्योंकि तनु विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर फिर दूसरा नियम है, यह नियम उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता जहाँ विलेय विलायक से या विलायक विलायक से अभिक्रिया कर लेता है। जैसे अगर किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं तो वह, जैसे चीनी को अगर पानी में घोलते हैं तो वह तुरंत क्या होता है, घुल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि अगर पानी में घोला जाए तो नहीं घुलेंगे। तो जो विलायक से यानी कि जो विलेय विलायक से अभिक्रिया कर लेता है या विलायक विलायक से अभिक्रिया कर लेता है, वहाँ पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। तो जैसे अगर रंग है, रंग का विलयन पानी से अभिक्रिया कर लेगा, लेकिन यहाँ पे जो दूध है पानी से अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि दूध में वसा पाया जाता है तो वो पानी से अभिक्रिया नहीं करता। इसकी वजह से विलायक विलायक से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन यहाँ पे राहुल के नियम तब लागू होगा। अगर जहाँ पे विलायक विलायक से अभिक्रिया कर लेगा वहाँ पर यह नियम लागू नहीं होगा। यहाँ राउल्ट के नियम के ऊपर कुछ सवाल, दो तीन सवाल हल करवा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है 500 ml जल में 50 ग्राम सुक्रोज के योग पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.58 mm Hg है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन की गणना करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाष्प दाब में अवनमन की गणना करना है, यानी कि पी जीरो माइनस पी एस इसकी गणना करना है। और यहाँ पर दिया है 500 ml जल में,
500 ml जल में, यानी कि जल का भार दिया है, जल का भार दिया है 500 ml, 500 ग्राम है। तो जल का अणु भार आ जाएगा 18। तो 500 ml जल में 50 ग्राम सुक्रोज की योग पर, तो 50 ग्राम सुक्रोज दिया, तो सुक्रोज का भार दिया है 50 ग्राम। तो सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। तो सुक्रोज का अणु भार यहाँ पे यह 342 आएगा। अब इसके बाद रख देंगे यहाँ पे राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार अगर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 -PS/P0 बराबर N/N बराबर W/M(M/W)। तो यहाँ पर P0 -PS पूछा ही है, P0 -PS पूछा ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा P0 -PS को डेल्टा P लिखते हैं, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं P0 -PS/P0 23.8 दिया है। यहाँ पर है शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। तो यहाँ पे रखेंगे स्मॉल डब्लू हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यह सुक्रोज का विलेय का भार है, यह इसको घोला जा रहा है जल में, तो यह हो जाएगा W। तो यहाँ पे रखेंगे 50/342 × M/M हो जाएगा यह वाला 18 बटे, जल का भार दिया है 500 ग्राम, तो 500 इसका गुणा वहां पे कर देंगे 3 × 3 तैयार हो जाएगा P0 -PS बराबर 23.8 × 50 × 18 × 342 × 500। इसको काट देंगे यहाँ पे तो 10 बार में कट जाएगा। अठारह से भाग देंगे, 18 × 18 = 18, 18 × 18 = 18, 18 × 18 फिर 9, 18 × 9 = 162, 16 बचेगा तो 162 हो जाएगा, तो यहाँ पे 19 बार में कट जाएगा। इसके बाद यह हो जाएगा P0 -PS, तो नीचे बच गया 100, यह हो जाएगा 23.8 × 190, इसका भाग देंगे तो 0.124 mmHg आएगा।
थैंक।